आज हम लोग के कॉलेज का आखिरी दिन है, हम लोग का कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन राइट, गलत तो नहीं बोल रहा ना, मतलब इन शॉर्ट मैं डिग्री लेने जा रहे और मेरे मतलब जो पहली बार मैं कॉलेज गया था 11th स्टैंडर्ड में, तब से हम लोग यही ग्रुप है। जेरी, यो ब्रो, आकाश और प्रियांशु और दो तीन दोस्त थे हम लोग के, बट उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। तो अभी हम लोग का था कि पहले हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग कुछ अतरंगी बना के जाएंगे, कोई राजा महाराजा बनेगा, मैं कुछ एकदम ड्रिप डालूंगा, बट बाद में मैसेज आया ग्रुप में कि फॉर्मल्स पहन के आओ। तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि फॉर्मल पहन के जाते और अभी देखते हम लोग सब लोग के मतलब। अभी मैं तुम लोग एक चीज़ बताता हूँ, मेन चीज़ कि हम लोग जितने भी है ना घर के छोटे हैं, एंड हम लोग पूरे खानदान में हम लोग पहले बंदे हैं जो डिग्री लेके आ रहे घर पे। डिग्री बिजनेस सब बिजनेस सबके पास है, पैसे सबके पास है, बट डिग्री किसी के पास नहीं है। हम लोग पता नहीं कैसे कैसे पास हो गए और एक बार भी केटी नहीं लगा कैसा बैकआउट किया है और हम लोग फेल हो गए। ठीक है, कैसे न कैसे पास हो गए है ना उनके ऑनलाइन पढ़ाई। अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट और लास्ट टाइम है। लेट्स गो। अरे मस्त तेरे घोसला। ओके सो गाइस, अभी हम लोगों को टोपी और ये मिला क्या क्या कोट कोट क्या है जो भी है। मेरा काउंटर पीछे था, इन लोग इधर है, एंड हम लोग ये अभी पहनते हम लोग पहन के डायरेक्ट अभी पहनते ना इधर नहीं अभी पहन लेते ना, चौक चौक लगेंगे। छड़ी को भी लेके आता हूँ अनएजुकेटेड। सबसे बड़ी बात निकाल एक बार निकाल ये बालों में ये टोपी कैसा आएगा। मैगी वापस डाल। ये लेट्स गो, नहीं जा रहा है बे। ये क्या बना दिए ले कुछ भी हो जाए मैं डिग्री लेने टोपी पहन के नहीं जाऊंगा, बहुत एलियन जैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ एलियन जैसा लग रहा हूँ मैं। लेट्स गो, उधर भी देखो, लेट्स गो। कितना बिंदास व्लॉग कर रहा हूँ ना मैं। एक नंबर गाइस, हम लोग जोर जोर से जय श्री राम चिल्ला रहे थे, अभी मिस पीछे आ गई है। पीछे मिस है, पीछे। लेट्स गो, ए नहीं रे, इसको जाने दे। ए तुम लोग चिल्लाओगे, ए रोहित, ए तुम लोग चिल्लाओगे। गाइस तुम लोगों को मैं कुछ बताऊं, हम लोग सब ग्रुप में लड़के लोगों के साथ बैठे हैं। इधर आ, ये पीछे लड़कियां कौन है? ये सब जूनियर्स है। यस, मीटअप करो। मीटअप नहीं 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 डिग्री लेने जा रहे पेंटेन वॉच है गाइस, पूरा फ्लैक्स है, गियर 3 किंग कॉन्ग, बोल किंग कॉन्ग। पहले तू देख कौन सा चश्मा अच्छा लग रहा है। गाइस कौन सा चश्मा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा वाला कि पार्थ वाला? मेरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, सो दैट आई कैन पुल अ लॉट ऑफ बिचेस। इसका इसका सब मांगी हुई चीज अच्छी रहती है। मम्मी बोलती है ना मांगी हुई कपड़े में अच्छा लगता है। ये मम्मी सही बोलती है। Baba, what kind of behavior is that?
जस्ट से इट लाउडली, जय श्री राम। अभी तक मेरे दोस्त ने मुझे पहचाना नहीं। पापा को नहीं पहचान रहे, नाइस इयररिंग, ए ए ए नाइस इयररिंग, बता 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 बता, फैंस हर जगह गाइस। तू इधर क्या करने आया? गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड के साथ तो इधर आने का क्या? मेरा टीवा है ना, अभी उसका हो गया टीवा। तेरा? तू मेरे साथ पढ़ रहा था? क्या सोच रहा है? गाइस फट्टे नशा करता था, अभी पढ़ाई करने लग गया। कौन सा नशा नहीं किया है गाइस? ए तू गेम मन, मेरे को शांति से व्लॉग नहीं बनाने दे रहे। भाग मरे, कम हियर, कम हियर गाइस, बहुत अच्छा कंटेंट दो। अरे जय श्री राम, कहीं ना जय श्री राम, जय श्री राम, कहीं ना राम, कहीं ना जय श्री राम, जय श्री राम। और एक और चीज़, मैं तुम लोगों को मेन चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने ग्रेजुएशन क्यों किया। बिकॉज मेरा ईगो था कि मेरे घर पे किसी ने डिग्री नहीं देखा था, डिग्री कैसा होता है, और मुझे देखना था डिग्री कैसा होता है। उसकी वजह से मैंने अपना 5 साल पूरा एजुकेशन पे लगा दिया। इवन तो मैं कॉलेज एक दिन भी नहीं गया, बहुत कम गया रहूँगा, बिकॉज मेरा फ्रेंड ही ओन करता है कॉलेज। तो उस हिसाब से मुझे जनरली एक्सपीरियंस करना था ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैंने डिग्री लिखा है। अभी इसको फ्रेम लगाऊंगा और रख दूंगा, कोई कोने में पड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग के घर पे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है भाई, शिट है। मेरी फैमिली एजुकेशन के ऊपर बिलीव ही नहीं करती। लाइक 10वीं 12वीं बस ख़त्म, तुमने बेसिक एजुकेशन कर लिया, क्योंकि इतने हम लोग स्कॉलर है नहीं कि हम लोग को मतलब लैक की सैलरी लगेगी कि एक महीने में 1 लाख कमा रहे हैं एंड ऑल। तो मेरे बड़े भाई ने भी साइंस लिया था, मेरे बीच वाले भाई ने भी कॉमर्स लेके, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस अपना ज्वाइन कर लिया था। एंड मैं जब 11th में था, मेरे घर वालों ने मेरा एजुकेशन सब चीज़ उन्होंने मिली की थी। देन जब मैं 12th में आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी से अपना खुद का संभालना चाहिए। तो वैसे भी मुझे YouTube से इनकम आती थी, YouTube से मेरा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा जनरेट होता था। तो 12th स्टैंडर्ड से करके ग्रेजुएशन तक मैंने हर एक चीज़ खुद से अफोर्ड की, चाहे मेरा वार्डरोब हो, इतने महंगे महंगे कपड़े हो, या कोई भी चीज़, कहीं घूमने जा रहा हो, कोई चीज़ ले रहा हो, मुझे घर पे लाइक मैं पूछता नहीं हूँ कि मुझे ये लेना है वो लेना है, मतलब परमिशन लेता हूँ बट मांगना नहीं पड़ता, यू नो। तो मैं तुम लोगों को यही चीज़ बता रहा हूँ कि स्टडी इतना ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं रखता, बट बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड स्किल डेवलप करो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ। और अगर मैंने इतनी कम उम्र में इतने पैसे कमाए थे, तो अभी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं श्री कृष्ण को आगे रख के बोल रहा हूँ और हनुमान जी को साथ में लेके बोल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में मैं नंबर 1 रहूँगा, टॉप पे रहूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, एंड यूट्यूब पे तो पूरा स्मैश कर डालूँगा फॉर श्योर। एंड आई रियली प्रे कि मेरा जो मेरे खास लोग हैं, मेरा खास दोस्त, मेरे परिवार, मेरे फैमिली वाले, वो सब भी ग्रो करे। सो या आज इतना ही रखते हैं। I really hope you guys in the video, if it did, make sure you subscribe the channel. मैंने जो भी बोला दिल से बोला है, बट मैं फॉर श्योर राज करूँगा। क्या बोलते हैं हम, राज करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।